योगी जी की न्याय सरकार में मैं न्याय से वंचित हूँ, मेरी एफआईआर दर्ज तक नहीं की जा रही है। का आरोप है कि पुलिस ने बिना नोटिस के ही उनके घर पर जाके उनके साथ घर की जो तोड़े तोड़े उनके साथ परिवारों के साथ भी बदतमीजी की, उनके सामान लूटपाट कर लिए। दूसरी पार्टी ने जो वहाँ पर पहले उनकी जमीन है, लेकिन अगर किसी की भी जमीन है तो बिना नोटिस के कैसे खाली करवा सकती है पुलिस? इन पर कुछ कहना चाहते हैं या हमारे साथ? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रतन सिंह है। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ मेरे इतनी बुरा हाल हुआ है कि पुलिस ने इतना बावरता की है कि 25 नवंबर की दोपहर 2 बजे संजय नरेश पुत्र कंचन सिंह मेरे घर पर पुलिस बल के साथ आया अपने गुंडों को लेकर के। पुलिस ने मेरे भाई को, मेरी माँ को, मेरी भाई के लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया और जेसीबी से मेरा मकान तोड़वा रहा और लूट करके ले गया। जब हमें मालूम चला हम अलीगढ़ रहते हैं तो हमने फोन किया, फोन करने के बाद में लूटपाट पुलिस के द्वारा हो रही थी, ट्रैक्टर भर के जा रहे थे। हमने पूछा कि हमारा बैनामा का मकान है, 1963 में हमारे पिताजी ने बैनामा लिया था, 74 का नक्शा पास है नगर पंचायत से, तो इसको क्यों तोड़ा जा रहा है बिना नोटिस किए? तो उन्होंने कहा अरे संजय का मकान है तो संजय को कागज दिखाए। पर नहीं, पुलिस ने अपनी मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना और लूट की, संजय और नरेश ने आज तक उसके खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं लिखा। मैं प्रार्थना पत्र लेके गया, मैं प्रार्थना पत्र लेकर के भगा दिया और मेरी एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही। फिर मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से मुझे कुछ रिलीफ मिला क्योंकि एसएसपी साहब का एक काउंटर लगाया हाई कोर्ट के जज ने, तो उसमें एएसपी ने अपने काउंटर में ये एफिडेविट में कबूल किया है कि हाँ ये घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई। फिर मैं अपने घर के अंदर घुसा जहाँ टूटा हुआ है, तो तुरंत पुलिस आकर के निया कहती है, मैं एसोसिएट महोदय साहब ने भेजी है इसके अंदर मत घुसना। तो हमने कहा कि आप अपना कुछ भी साक्ष्य दिखाइए, प्रमाण पत्र दिखाइए, संजय या नरेश के कुछ दिखाइए कि नहीं ये इसके अंदर जाओगे तो पैर तोड़ देंगे। बताइए, मेरी बैनामा की संपत्ति दागिला खारिज है उसका और दिन दहाड़े लूट करके दिए, ट्रंक बक्सा सब वीडियो भी है उनकी। क्या इस कार्रवाई से पहले आपको कोई नोटिस दी गई थी? नहीं, कोई नोटिस नहीं गई। तो आपने थाने में जाकर फायर करने की कोशिश की? बहुत कोशिश की, कितनी बार गए, क्या जवाब मिला वहाँ से? भगा दिया आपने? क्या बोला जी? के नहीं, यहाँ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी तुम्हारी। आपने किसे पूछा कि किस आधार पे मकान खाली करवाए गए, तोड़ा गया? हमने पूछा था कि हमें ऊपर से आदेश आए थे। ऊपर कहाँ से आदेश आए? अब हमें तो वो जवाब देते नहीं है, नहीं हमारे आप सुनते हैं वो। हमें पुलिस से डर लगता है क्योंकि अशोक कुमार नौहवार ने तो हमारी बेटी के साथ में भी बदतमीजी की है, उससे पूछता है बार बार, 506 की जमानत हो गई है, तेरा भाई कहाँ है, तेरा बाप कहाँ है? इतना अबरता मचा रखी है पुलिस ने। किस मामले में जमानत मांग? 506 में एक साथ 16, एक साथ 17, जबकि 24 साल में 151 का मुकदमा नहीं था। और विनोद कुमार तहसीलदार का एक कानून वो है, उसने तो मेरी माँ की जमीन पर ही मुझे भूमाफिया बना दिया है। आप मीडिया से क्या चाहते हैं? मीडिया से यही चाहते हैं कि जो हमारी सच्चाई को उजागर करे। मैं मीडिया का आभारी रहूंगा कि जो मेरी सच्चाई को उजागर कर दे, तो मैं राष्ट्र प्रेम का जीवन भर एहसानमंद रहूंगा।